हेलो एवरीवन, और स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही नई चीज़ को अनबॉक्स करने वाले हैं, जो कि यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी जितनी भी कार होती हैं उनके पीछे की तरफ सेंसर लगे होते हैं, जिनको रिवर्स पार्किंग सेंसर कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर को हम अनबॉक्स करने वाले हैं। रिसेंटली हमने ये ईबे से परचेस किया है, क्योंकि मेरी गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं है और ये एक अच्छा मौका था मेरे पास में कि मैं इस रिवर्स पार्किंग सेंसर को ख़रीदूं और आप लोगों के सामने अनबॉक्स करूं और देन इसके अगले वीडियो में इसको फिट करके दिखाएं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एसेंशियल चीज़ें निकलने वाली हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि ईबे से हमने ख़रीदा है। तो खोलने के लिए सबसे पहले लेते हैं इसका जो इनवॉइस है। वैसे तो ये मेल पे आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका इनवॉइस है। इसकी जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है 649 पड़ी है। वैसे अगर आप रिटेल मार्केट में इसको फिक्स कराने जाते हैं तो जो कार डेकोरेटर होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेता है इसका, तकरीबन 2 से 2,500 रुपये तक ले सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं अगर इस तरीके से आप मंगवाते हैं और ख़ुद ही फिट करते हैं। वैसे इसको फिट करना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। हम देखेंगे, हम भी पहली बार ही करेंगे, तो विल सी व्हाट कैन बी डन। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैकेट तो ईबे का था, लेकिन इसमें शॉक ब्लू का जो है कार्टून यूज़ किया। एनीवे, ये मेन इशू हमारा ये नहीं है, हमारा तो अंदर के प्रोडक्ट से मतलब है। पैकिंग की काफ़ी प्रोटेक्टिव रहती है, आयरन को भी पता है कि लाने में कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ से भी इसमें पैकिंग दी हुई है काफ़ी ज़्यादा। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है हालांकि इसमें कोई कंपनी नहीं लिखी है, बस कॉडियो शायद हो सकता है उसका ब्रांड हो। और इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर कोई ख़ास डिटेल हमें नहीं दी हुई, बस ये दिया हुआ फोर सेंसर डिज़ाइन प्रिसाइसली डिटेक्ट और ये कुछ शार्प पॉइंट दिए हुए हैं। इसके रियर साइड में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से 4 जो हैं सेंसर जुड़ेंगे और ये रेड और वाइट वाला जो है वो रिवर्स लाइट के लिए है और ब्लैक और वाइट जो है वो अर्थ के लिए है। तो एनीवेज ये इस तरीके से हमें इसको फिक्स करना है। अब आइए इसके अंदर देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। अंदर की तरफ से खोलने के लिए यहाँ से इसको खोलना होगा।
देख सकते हैं कि ये सेंसर है, कुल मिला के हमारे पास में चार सेंसर हैं सिल्वर। जैसे कि मेरी गाड़ी का बम्पर का कलर है सिल्वर, मैंने मंगवाया था। और इसके बाद में इसमें इसका जो कंट्रोलर है वो दिया हुआ है। कंट्रोलर में आप देख सकते हैं ABCD तीन, और ये पावर के लिए है और ये डिस्प्ले के लिए यूनिट दी हुई है। इसके अलावा इसको चिपकाने के लिए एक डबल साइडेड टेप भी दिया हुआ है, तो इसको फ़िलहाल हम रख देते हैं। दूसरी जो चीज़ हमारे पास में आई है वो है इसकी यूनिट। यूनिट आप देख सकते हैं कि इस यूनिट को भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। यूजुअली ये इस तरीके से लगनी होगी, और यहाँ से फिर ये डिस्टेंस बताएगा कि कितना दूर है। इसकी केबल भी आप देख सकते हैं, केबल काफ़ी डिसेंट साइज़ की है, तो ऐसा कुछ केबल की लेंथ में शायद डिफरेंस ना आए। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है इसकी केबल, जिसका एक वायर जो है वो ग्राउंड का होगा और जो दूसरा वायर है वो हमें गाड़ी के रिवर्स लाइट में लेना है। एनीवेज, इसके अलावा ये इसकी छोटी सी बुकलेट है किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, ये इसमें बताता है ना, तो पढ़ने के बाद में। इसके अलावा ये एक स्पेशल चीज़ उन्होंने दी है, ये होल्स ऑफ ड्रिल बिट है। इसका खास पर्पस, इसका जो पर्पस वो ये है कि ये स्पेशली इसी सेंसर की साइज़ की बन है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर हम इस सेंसर को ले लें यहाँ से, तो ये सेंसर बिल्कुल इसी साइज़ का है। अगर हम इसमें छेद करते हैं तो बिल्कुल सेम साइज़ का होल बनेगा, जिसमें आसानी से ये जो है फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुशन दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे जो इसका जो कुशन है इसको फिक्स करने में बहुत ही आसानी देगा। तो ये तो वापस रख देते हैं। चारों के आप साइज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चारों सेंसर है उसमें काफ़ी लंबी वायर दी हुई है, और साथ में ये अटैचमेंट के लिए पिन भी दी हुई है। इसी तरीके से जो चारों पिन हैं वापस रख देते हैं। इसी तरीके से ये जो चारों पिन हैं ये बिल्कुल सेम साइज़ के दिए हैं, सब में पिन दी हुई हैं। अब हालांकि इसमें ऐसी कोई कोडिंग नहीं थी, ABCD जैसे कि इसमें दी हुई थी, इसका मतलब ये कि हम कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें दो वायर होते हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि सब में दिए हुए हैं। और इसके अलावा इसमें ये भी जो है डबल साइडेड टेप है, जहाँ तक है ये भी शायद डबल साइडेड टेप है, जो कि सेंसर के नीचे यहाँ कहीं पर लगा के हम इसको चिपका सकते हैं। तो ये हो गया इसका। और ये जो है ये भी एक डबल साइडेड टेप है, ये इसका जो पर्पस है ये पता नहीं क्या है। वैस ये हो गया, ये हो गया। कुल मिला के जो पैकिंग है वो काफ़ी डिसेंट साइज़ की है, और जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी मॉडरेट ही है, इतनी बुरी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। तो गाइस, ये तो था हमारा एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो रिवर्स कार पार्किंग सेंसर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें किस टाइप की रिव्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आए। एनीवेज गाइस, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इन सेंसर को हमारी कार में लगाने की एक सिंपल सी प्रोसेस जो होती है उसको करके देखेंगे, और फाइनली टेस्ट करेंगे कि ये सेंसर कितना एफिशिएंटली काम करता है। तो मिलते हैं गाइस फिर हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the video.